सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंगल का जो रत्न होता है मुंगा, उसे किस प्रकार से धारण करने चाहिए। हमारे रत्न विज्ञान के अनुसार कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हो तो उसका एक माप होता है। उससे कम वजन का रत्न पहनने से उसका प्रभाव खत्म होता है, यानी कि उसका प्रभाव रहता ही नहीं है। मंगल का रत्न धारण करने के कौन से नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मांगलिक जो लोग होते हैं उनके लिए ये रत्न पहनना अति आवश्यक बताया गया है, लेकिन सिर्फ उसके नियम जान लें। मुंगे का रत्न कम से कम 8 रत्ती से ज़्यादा वजन का होना चाहिए और इसको आप 6 रत्ती की अंगूठी में ही बनवाए। अगर मंगल का रत्न यानी कि मुंगा 8 रत्ती से ज़्यादा वजन का है तो ये सर्वश्रेष्ठ, लेकिन अगर ये 8 रत्ती से थोड़ा भी कम वजन का होगा तो इसका प्रभाव नहीं रहेगा। अभी ये जो मुंगे का रत्न होता है उसकी वैलिडिटी यानी कि अंगूठी में बनवाने के बाद इसका प्रभाव 3 वर्ष और 3 दिन तक रहता है और इसके बाद आपको ये रत्न बदलना पड़ता है। इसके साथ जो मांगलिक लोग हैं वो इसको धारण कर ले और इसके साथ मंगलवार का व्रत करे और हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए। सिर्फ इतना करने से मांगलिक लोगों के सारे कष्ट दूर हो गए। अगर विवाह के योग नहीं बन रहे तो शीघ्र अतिशीघ्र बनेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।